अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने दराज पीके से पॉलीजेन नेल्स ऑर्डर किए थे जो मुझे अभी रिसीव हुए, तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। और जैसा मैंने देखा था वैसे ही हैं ये अभी मैं देखूँगी इसको। तो ओके जी, सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर है फॉयलर, उसके बाद ये पैचुला है, और एक साइड पे इसका ब्रश है। ये फेक नेल्स हैं और ये बहुत सारे हैं। और ये मुझे यूवी लाइट मिली है। और ये सॉल्यूशन था। और ये थ्री जेल्स थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की थी, मतलब कि डार्क, लाइट और फिर उससे लाइट। और ये टॉप कोट और बेस कोट था। और ये साथ नेल क्लिप था। तो सबसे पहले अभी हम अपने नेल को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए फॉइलर। मैं इस नेल पे अप्लाई करूंगी, तो मैं इसको सबसे पहले फॉइल कर लूंगी अच्छे तरीके से, ताकि इसके ऊपर जो है नेल सही से अप्लाई हो जाए। नेल को मैंने फाइल कर लिए। अब इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बेस कोट। तो नेल को मैंने फाइल कर लिया, अभी मैं नेल को कट कर लूंगी। इसके लिए नेल को कट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है पॉलीजन नेल सही से अप्लाई नहीं हो सकते। तो नेल को मैंने कट कर लिया। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर बेस कोट लगाऊंगी। तो अभी जो है तो अभी इधर से मैं अपनी नेल के साइज का कोई नेल देखूंगी। मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी। तो अभी मैं अपनी नेल के साइज का देखूंगी यहाँ पे। तो मैंने अभी अपनी नेल के साइज का ये ले लिया फेक नेल। अभी इसके ऊपर मैं पॉलीजेल अप्लाई करूंगी। इसके ऊपर मैंने लगा लिए, और अभी इसको मैं सॉल्यूशन की हेल्प से अप्लाई कर लूंगी।
ये पैचुल चाहिए। स्लिप सॉल्यूशन से जो है मैं इस ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। तो अभी ये मैंने बना लिया, इसको मैं अपने नेल के ऊपर अप्लाई करूंगी। इसको ऊपर से ज्यादा नहीं दबाना क्योंकि साइड से सारी जेल निकल जाएगी। और क्लिपर की हेल्प से जो है इसके ऊपर लगा दूंगी। ओके जी, तो अब इसको जो है हम यूवी लाइट के नीचे रख लेंगे, कुछ ही सेकंड्स में ये ड्राई हो जाएगी। अच्छा जी, तो नेल मेरा ड्राई हो गए, तो अभी जो है मैं इसके ऊपर से इसको हटा दूंगी, फेक नेल को। तो ये फेक नेल को मैंने हटा दिए, अभी मैं इसको फॉइल कर लूंगी। तो इसको मैं फाइल कर लूंगी और शेप दे दूंगी, जैसी भी आप देना चाहते हैं शेप आप दे सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करूंगी। टॉप कोट लगाने के बाद इसको मैं यूवी लाइट के नीचे फिर से ड्राई कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना ओरिजिनल और कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से आप अपने सारे नेल्स बनाएंगे। और ये बन गया है मेरा नेल और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।